उस आदमी को बड़े गौर से देखा है वहां बीवी। वो यहां आता था तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था, बौखलाए से फिरता था, ऐसी बातों पे भी हंस देता जिनको देखकर रोना आता था। उसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा था कि उसकी बीवी उससे दगा कर रही है, पर वो इस हाल में भी उसको रोकना चाहता था, अपने बच्चे के लिए या फिर अपनी मोहब्बत के लिए। मारता था उसे? नहीं नहीं, उसको देखकर तो ये भी नहीं लगता था कि वो उससे ऊंची आवाज में बात भी करता होगा। नहीं, कोई कहे भी तो मैं नहीं मानूंगा। मर्द होके इतना रहम दे? आपसे गलती हुई है दीवान। लड़की को इतनी मोहब्बत मिले तो वो सारी कमियों पे गुजारा कर लेती है। कमबख्त मारता ही होगा उसे, बेकीमत कर देता होगा, तभी तो ये होता कि लड़की किसी और से अपनी कीमत पूछ लेती है। ये कैसे रखता था उसे? बहुत खुश। फिर तो सब ठीक था दीवान, फिर आप मुझे फोन क्यों करते थे? मेरा दिल कहता था कि ये सब टेंपरेरी है, वो इसलिए आई है कि वो अपने मर्द की कमाई से ज्यादा सोचती है, और वो इसलिए लाए हैं कि उनके पास देने के लिए पैसे बहुत। बेचारी? वो बेचारी नहीं है महाम बीबी, अपने घर से टूटकर किसी और के घर से जुड़ने वाली औरत बेचारी नहीं होती। फिर मुझे उसे भेजते हुए इतना तरस क्यों आया था? आपने जब उसको देखा तो वो मुंह के बल जमीन पे आ गिरी थी, इसलिए आपको तरस आ गया। पर मैंने जब उसको देखा था तो वो आसमान पे उड़ती थी और जमीन पे रहने वालों को देखती भी नहीं थी। कहाँ की है? मतलब रात के इस पहर कहाँ जाएगी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले वो एक बार वहां जरूर जाएगी जहां से उठकर आई थी। क्यों? वहां से तो डिवोर्स लेके आई है, वहां से क्या मिलेगा उसे? या फिर वो ऐसा है कि उसे दोबारा रख लेगा? रखे ना रखे, लेकिन वो एक बार वहां जाएगी जरूर। क्यों? ऐसा होता है मां बीबी, कातिल पूरी सजा काटे बगैर रिहा हो जाए तो एक बार वहां जरूर जाता है जहां उसने खून किया था। खाना लगवा? नहीं, दिल भर गया आज तो, लगता है पेट भर गया। Thank you.